राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पतिव्रता नारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, मगध देश में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंतीपुर। कुंतीपुर गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ हरा भरा बहुत ही सुंदर गाँव था। यहाँ गांव में मगध के राजा के राजमहल से यह 3 किलोमीटर दूर था। यहाँ के लोग भी बहुत भोले भाले थे। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था शिरोमणि। शिरोमणि का जो मगध के राजा के राजमहल में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वह एक अच्छे और ज्ञानी ब्राह्मण थे। इसलिए मगध के राजा उनका बहुत ही आदर सत्कार करते थे और पूजा अर्चना के लिए उन्हें प्रतिदिन बुलाया करते थे। शिरोमणि की पत्नी थी विद्यावती। वह एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। मगध क्षेत्र में कुंतीपुर नगर गांव में ही एक और स्त्री रहती थी, उसका नाम था मोहिनी। पहले मोहिनी कुंती नगर गांव में ही रहा करती थी। वह बहुत ही रूपवती तो थी, साथ ही उसे नृत्य भी बहुत अच्छा आता था। उसमें भी वह निपुण थी और उसके स्वर का तो कहना ही क्या। जब मोहिनी गाना शुरू करती थी तो लोग मुग्ध होकर उसके गीत को सुना करते थे। मोहिनी की ख्याति मगध नरेश तक भी पहुंची और उन्होंने उसे अपने यहाँ गाने और नृत्य करने के लिए नियुक्त कर लिया, ताकि राज दरबारियों का मनोरंजन हो सके। वह मगध के राजा के यहाँ नृत्य किया करती थी। वह एक नगर वधु थी। महाराज ने उसके लिए एक भव्य 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसमें मोहिनी रहा करती थी। एक दिन मगध नरेश ने शिरोमणि ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर कहा, पंडित जी, मैंने आपके लिए राजमहल के करीब एक अच्छे से मकान की व्यवस्था कर दी है। मगध नरेश ने शिरोमणि ब्राह्मण से कहा, आप ब्राह्मण जी सह परिवार अपने परिवार को लेकर उस मकान में रहने आ जाइए। राजा की आज्ञा को मानना शिरोमणि ब्राह्मण के लिए बहुत आवश्यक था, अतः उन्होंने महाराज को कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं अपने परिवार के संग इस घर में रहने अवश्य आऊँगा। पंडित शिरोमणि के मकान के ठीक सामने मगध के नरेश ने एक 2 मंजिला भव्य मकान मोहिनी के लिए भी बनवाया था, जहाँ पर मोहिनी रहा करती थी। दोनों घरों के झरोखे आमने सामने थे। प्रतिदिन अपने कार्यों से निवृत्त होकर मोहिनी उस झरोखे के पास आकर बैठकर बाहर निहारा करती थी। उसने एक दिन शिरोमणि का मकान देखा। बहुत दिनों से वह मकान खाली पड़ा हुआ था। मकान के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे थे, किंतु सूना मकान मोहिनी को अपने जीवन के समान जान पड़ता था। लोगों की थकान मिटाकर उन्हें लुभाना उसका कार्य था। भले ही वह एक नगर वधू थी, परंतु उसके हृदय का एक कोना सदैव उदास ही रहता था। कभी कभी मोहिनी अपने भाग्य पर बड़ी दुखी हो जाती। वह सोचती, हे प्रभु, क्या मेरे जीवन में यही सब लिखा है? क्या मैं कभी भी परिवार का सुख नहीं प्राप्त कर पाऊंगी? प्रतिदिन संध्या वेला में मोहिनी झरोखे के पास बैठकर यही सब सोचा करती थी। इधर महाराज के कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि अपनी पत्नी को लेकर कुंती नगर वाले मकान को छोड़कर मगध नरेश द्वारा दिए गए नए मकान में रहने के लिए आ गया। मोहिनी के यहाँ पर नगर के बड़े बड़े सेठ आया करते थे, जिन्हें वह अपना नृत्य दिखाकर लुभाया करती थी और वे उसे धनराशि दिया करते थे। अब यही उसका नित्य का कार्य था। सारा कार्य खत्म करने पर मोहिनी फिर झरोखे के पास बैठकर बाहर देखा करती थी। सामने वाले मकान में पहले तो कोई नहीं रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर चहल पहल नज़र आ रही थी। उसने देखा एक स्त्री वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। वहाँ पर किसी को रहता हुआ देखकर मोहिनी को थोड़ा अच्छा लगा।
उसने सोचा चलो खाली मकान देखने से अच्छा है यहाँ कोई हलचल तो देखेगी, और यही सोचकर वह खुश हो गई। विद्यावती जो कि ब्राह्मण की पत्नी थी उसके लिए यह जगह बिल्कुल नहीं थी। गांव के आसपास के लोगों के साथ मिलकर विद्यावती बातें कर लिया करती थी, किंतु इस नई जगह पर उसे कोई भी परिचित नहीं दिखाई पड़ रहा था। वह रोज़ सवेरे उठकर स्नान आदि के बाद भगवत भजन करती और उसके बाद अपने पति के चरण स्पर्श करती। उसके पश्चात वह भोजन आदि की व्यवस्था करती और उसके पति को भोजन कराकर जो राजमहल के लिए विदा करती। ब्राह्मण शिरोमणि के राजमहल जाने के बाद विद्यावती घर के बाकी कार्यों को निपटाया करती थी। महाराज ने उन्हें एक सेविका भी दी थी जो कि विद्यावती को घर के कार्य में जो उसकी मदद किया करती थी। सायंकाल को विद्यावती भी झरोके पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन अचानक ही विद्यावती की दृष्टि मोहिनी के झरोके पर पड़ी। उसने देखा मोहिनी उसी तरफ देख रही थी। दोनों के नैन जब टकराए तब विद्यावती ने हल्की सी मुस्कान से उसका स्वागत किया। रात्रि में जब ब्राह्मण श्रोमती महल से लौटकर आए तब विद्यावती अपने पति के हाथ पैर दबाती और बड़े प्रेम से उसे भोजन कराती। ब्राह्मण श्रोमणि जब भोजन करता रहता तब वह वहीं बैठकर पंखा झला करती थी। यह सारे दृश्य मोहिनी को उसके झरोके से दिखाई देते थे। यह देखकर मोहिनी कभी कभी विद्यावती से ईर्ष्या भी उसे होने लगी थी। मन के किसी कोने में मोहिनी स्वयं को एक पत्नी के रूप में देखना चाहती थी। उसके दिल में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती थी। वह मन ही मन सोचती थी, हे प्रभु क्या मुझ अभागन को भी अपने इतना घोर दंड क्यों दिया है, मुझे ही क्यों यह दंड मिला। प्रभु मैं क्यों नहीं एक पारिवारिक जीवन बिता सकती, मेरी भी इच्छा है प्रभु मेरा पति होता, मेरे बच्चे होते, मेरा एक परिवार होता। इधर अपने घर में विद्यावती सदैव अपने पति की सेवा करती, घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। जब कभी उसे अवसर मिलता तो विद्यावती झरोके पर बैठती और मोहिनी के घर के क्रियाकलापों को देखती। कभी कभी उसके मन में भावना आती कि मोहिनी कितनी भाग्यशाली है, उसके पास इतना बड़ा मकान है, उसके यहाँ हमेशा लोग आते जाते हैं, वे कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनती है। यह सारी बातें विद्यावती के हृदय में आया करती थी। विद्यावती को ऐसा लगता कि मोहिनी का जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदपूर्ण है। दोस्तों सभी जानते हैं मानव मन ऐसा ही होता है, जिसके पास जो वस्तु नहीं होती वह उसी के लिए लालायित रहता है, और ऐसा ही विद्यावती और मोहिनी दोनों के साथ हो रहा था। समय ऐसे ही अपनी गति से चल रहा था। एक दिन ब्राह्मण श्रोमणि राजमहल से वापस लौट रहे थे कि अचानक से वो बेसुध होकर धरती पर गिर पड़े। वहाँ खड़े एक सैनिक और दरबारी जो ब्राह्मण की तरफ दौड़े, उन्होंने ब्राह्मण को उठाया और उनके घर पहुँचा दिया। तुरंत ही राजवैद्य भी उनके घर पहुँचे। अब ब्राह्मण की पत्नी विद्यावती बहुत ही परेशान हो गई, उसे अपने पति की चिंता सता रही थी। वैद्य जी ब्राह्मण की जांच करने लगे और विद्यावती को कुछ दवाइयां दी। उन्होंने कहा कि मैं कल आकर ब्राह्मण की जांच करूंगा, तभी आगे कुछ बता पाऊंगा। विद्यावती ने वैद्य जी के द्वारा दी गई दवाइयां ब्राह्मण को पिलाईं, किंतु अभी तक ब्राह्मण को होश नहीं आया था। अगले दिन राजवैद्य फिर से आए और उन्होंने एक काढ़ा जो ब्राह्मण को पिलाया। आधे घंटे पश्चात ही ब्राह्मण श्रोमणि को होश आने लगा और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन यह क्या, ब्राह्मण के शरीर का बायां हिस्सा बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। राजवैद्य ने विद्यावती को बुलाया और धीरे से बताया कि ब्राह्मण के आधे शरीर में लकवा मार गया है। राजवैद्य ने कहा कि आप इनकी सही ढंग से देखरेख करें और निश्चित समय पर ब्राह्मण को दवाई देती रहें, यदि ईश्वर ने चाहा तो ये फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे।
इतना कहकर राजवैद वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने जाते जाते यह भी कहा कि मैं अपने शिष्य से प्रतिदिन ब्राह्मण के लिए दवाइयाँ भिजवा दिया करूँगा। विद्यावती पर तो मानो जैसे पहाड़ टूट गया, वह बहुत रोई। विद्यावती अपने बीमार पति की सेवा में जी जान से जुट गई, क्योंकि श्रोमणि अब चल फिर नहीं सकता था, इसलिए उसने ब्राह्मण को बिस्तर जो झरोके के पास ही लगा दिया था। इसके पीछे विद्यावती की मंशा यह थी कि श्रोमणि झरोके से जो बाहर के दृश्य को देख सके और उसका मन खुश रह सके। विद्यावती उसे प्रतिदिन नियमित समय पर दवाई देती, उसकी सेवा करती। राजवैद्य जी प्रतिदिन दवाइयाँ भेज दिया करते। विद्यावती ने अपने पति की सेवा में अपने आप को व्यस्त कर लिया था। उधर मोहिनी को भी ब्राह्मण के बीमार होने का समाचार मिल चुका था। उसने देखा ब्राह्मण का बिस्तर झरोके के पास लगा हुआ है और विद्यावती उसकी सेवा किया करती है। यह देखकर वह बहुत ही भावुक और प्रसन्न हो जाया करती थी। मोहिनी ने मन में सोचा, विद्यावती कितनी पतिव्रता है। उसके बाद उसका मन बावरा फिर से उन्हीं बातों में घूमने लगता। उसे अपना जीवन अव्यर्थ नजर आने लगा। मोहिनी मनी मन सोचने लगती, मैं तो एक नगर वधु हूँ जो कि सबका मन बहलाने के लिए गायन और नृत्य करती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए था। हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया। और उधर विद्यावती के प्रयासों से जो और राजवैद्य की दवाइयों के प्रभाव से ब्राह्मण का स्वास्थ्य जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, और कुछ ही महीनों पश्चात ब्राह्मण फिर से चलने फिरने लगा था। विद्यावती भले ही बड़े मन से ब्राह्मण की सेवा दिलोजान से कर रही थी, किंतु कई बार उसे अपना जीवन बहुत ही परेशानी भरा लगता था। कभी कभी जो विद्यावती के मन में विचार उठते, सामने के मकान में रहने वाली मोहिनी का जीवन कितना सुंदर है, उसे ना तो किसी की सेवा करने की आवश्यकता है और उसके पास तो नौकर चाकर सब हैं, अकेले वह अपना जीवन कितना सुखपूर्वक बिता रही है। ब्राह्मण फिर स्वस्थ हो चुका था और अब वह राजमहल नियमित रूप से आने जाने लगा था। तब विद्यावती को थोड़ी सी जो आराम मिला ब्राह्मण की सेवा से। इसी प्रकार समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक ही विद्यावती और मोहिनी दोनों की एक ही समय पर मृत्यु हो गई। दोनों की जीवात्मा को लेने हेतु यमदूत पहुँचे थे। वे दोनों अपने अपने शरीर को ध्यानपूर्वक देख रही थीं। विद्यावती ने देखा उसके शरीर को सुहागन के जोड़े में सजाया गया था और पास ही ब्राह्मण और उसके परिवारजन विलाप कर रहे थे। मोहिनी ने जब अपने शरीर को देखा तो उसे सादे कपड़ों में रखा गया था। उसके पास विलाप करने के लिए कुछ एक दास दासी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास तो जो आते थे वो केवल अपने मनोरंजन के लिए आते थे, किसी को उससे कोई भी जो प्रेम नहीं था। यमदूतों ने दोनों आत्माओं से कहा, अब यहाँ पर रुककर अपने पार्थिव शरीर को देखने में समय व्यर्थ ना करो, चलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। विद्यावती और मोहिनी को लेकर यमदूत तेज गति से उड़ने लगा। यमदूत उन्हें ग्रह नक्षत्र और सितारों के पास लेकर जा रहा था। हवा में काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे किसी गहरी अंधेरी गुफा में चले जा रहे हैं, जहां पर आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरी गुफा से बाहर निकलकर ये लोग यमराज के विशाल महल में प्रवेश करने लगे। इतना सुंदर महल उन दोनों ने कभी नहीं देखा था। महल के चारों तरफ कल्प वृक्ष लगे हुए थे। वहाँ की सुंदरता अद्भुत थी। यमदूत उन्हें आगे का रास्ता बता रहा था। यमदूत जब यमराज के सामने पहुँचा तब उन्हें बड़े ही आदर भाव के साथ यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं इन दोनों स्त्रियों की जीवात्माओं को लेकर आया हूँ। यमराज ने चित्रगुप्त की तरफ देखा
और उनसे प्रश्न किया, हे चित्रगुप्त, इन दोनों स्त्रियों ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किया है, इन्हें कौन सी श्रेणी में भेजा जाएगा, कृपया करके हमें बताएं। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटकर पहले विद्यावती के कार्यों का लेखा जोखा देखकर कहा, हे प्रभु, विद्यावती एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने पति की सेवा जी जान से करते हुए अपना जीवन बिताया है। वह एक चरित्रवान महिला रही थी, इसलिए उसे स्वर्ग में एक बहुत ही आरामदायक कक्ष में रखा जाएगा। यह सुनकर विद्यावती की जीवात्मा बहुत प्रसन्न हो गई। तो यमराज जी बोले, ठीक है चित्रगुप्त, अब मोहिनी की जीवात्मा का लेखा जोखा बताइए। चित्रगुप्त कहने लगे, महाराज, मोहिनी के कर्मों वाले पृष्ठ को पढ़ना जो चित्रगुप्त ने शुरू किया, उसे पढ़कर वह फिर बोले और उस पृष्ठ को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे, यमराज की तरफ देखने लगे। यमराज जी ने पूछा, क्या हुआ चित्रगुप्त, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। चित्रगुप्त ने सिर हिलाते हुए कहा, जी प्रभु, कुछ नहीं। इसके पश्चात फिर चित्रगुप्त बोले, भगवान, मोहिनी की जीवात्मा को एक श्रेष्ठ पतिव्रता वाले कक्ष में भेजा जाएगा जो कि स्वर्ग में ही है। विद्यावती की जीवात्मा ने जब मोहिनी के लिए श्रेष्ठ पतिव्रता शब्द सुना तो उसने चित्रगुप्त से प्रश्न किया। तो विद्यावती की जीवात्मा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति की सेवा में बिता दिया, किंतु आप मुझे पतिव्रता का पद न देकर एक साधारण कक्ष में भेज रहे हैं, और मोहिनी जो कि एक नगर वधू थी उसे आप श्रेष्ठ पतिव्रता बता रहे हैं, यह कैसा न्याय है आपका। मोहिनी की जीवात्मा हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। विद्यावती की जीवात्मा क्रोधित हो चुकी थी, उसे ऐसे लग रहा था यह घोर अन्याय हो रहा है। एक पतिव्रता स्त्री को पतिव्रता का दर्जा न देकर एक नगर वधू को श्रेष्ठ पतिव्रता बताया जा रहा है। चित्रगुप्त ने विद्यावती को शांत करते हुए कहा, विद्यावती की जीवात्मा, ध्यान से सुनो, तुमने कहा कि तुमने अपना पूरा जीवन अपनी पति की सेवा में बिताया और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाया, यह बात सत्य है, किंतु जब भी तुम मोहिनी के झरोके की तरफ देखती थी तो मन में यही सोचती थी कि मोहिनी का जीवन बहुत सुंदर है, प्रभु मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं दिया। उस समय तुम्हारे किए गए सभी पुण्य कार्य व्यर्थ हो जाते थे। चित्रगुप्त आगे बोले, हे विद्यावती, यह मोहिनी भले ही नगर वधू थी, किंतु जब भी यह तुम्हारे कक्ष के झरोके से तुम्हें पति सेवा करते हुए देखती थी तब यह भी यही विचार करती थी, हे प्रभु, तुमने उसे विद्यावती जैसा जीवन क्यों नहीं दिया। उसके मन के विचार सदैव एक पतिव्रता स्त्री के समान थे, इसलिए मोहिनी ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। यह सुनकर विद्यावती ने अपना सिर झुका लिया। उसके बाद यमराज जी ने कहा, कलयुग में मानव अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक पाता है, लेकिन कर्म करने के साथ साथ मानव को अपने मन के विचारों को भी नियंत्रित करना चाहिए। यदि आपने मन में जो गलत विचार ला दिए तो वो भी आपके सत्कर्मों का पलड़ा हल्का कर देंगे। यमराज ने मोहिनी को एक श्रेष्ठ पतिव्रता का पद देने की घोषणा की और विद्यावती की जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग में ही लेकिन एक साधारण कक्ष में भेज दिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।